वेलकम टू माय ब्यूटी नेचुरली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी हमने फाउंडेशन का बेस लगाया हुआ है, बस उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर अपनी आईज़ पे। ये मेरा मिस क्लियर का प्राइमर है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मिस क्लियर का प्राइमर है, ये एंटी रेडनेस है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं हो पाता। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऐसे हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अपनी आईलिड पे। इससे फ़ायदा ये होता है, हमारी आईलिड स्मूथ हो जाती है और जो भी हम इसके ऊपर मेकअप करते हैं वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है। तो ये ट्रिक है, जब भी आपको मेकअप करना, आई मेकअप हैवी वाला, तो आप प्राइमर लगा लीजिए। इसके जगह आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो। अब हम लेंगे अपना कंसीलर, मेरा ये ओलिविया का पैनकेक है। सो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, इसके ऊपर फुल रिव्यू मैंने प्रोवाइड किया था। सो इस तरीके से आप आईज़ पे लगा लेंगे। इसको लगाने का रीज़न होता है कि जब हम इसके ऊपर मेकअप करते हैं तो वही कलर दिखाई देता है जो हम उसके ऊपर लगाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो शायद वो कलर चेंज हो जाए। अब मैंने ये लिया है स्पॉन्ज, इसको मैंने गीला कर लिया था और गीला करके निचोड़ लिया है। अगर आप इसकी जगह ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसको भी गीला करके निचोड़ के फिर ही अप्लाई कीजिए। इसको आप जस्ट स्मूदन आउट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं पहले जेल आईलाइनर लगा रही हूँ, इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपना मेकअप कहाँ तक चाहिए। कुछ लोग पहले मेकअप कर लेते हैं यानी कि आई शेडोज लगा लेते हैं, बट मेरी यहाँ पर ट्रिक है कि इससे हमारा डिफाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम आईलाइनर दोबारा लगा लेंगे, दैट इज़ फेयर इनफ। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास क्रीज़, कितना सब कुछ कहाँ कहाँ चाहिए। सो इस तरीके से मैं रफली ये जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ जस्ट शेप देने। अब मैं लूँगी अपना पैलेट जो मैंने आपको दिखाया था, इसके जगह आप अपना वाला भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। सो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ऑल इन वन है और पर्स फॉर्म में है, इसलिए कहीं भी लेकर जा सकते हो। ये इस तरीके से फ्लैट टाइप का ब्रश है छोटा सा, ये हम लेंगे और इससे मैं ऑरेंजिश कलर ले रही हूँ मैट वाला। हम शिमर नहीं यूज़ करेंगे अभी, हम मैट यूज़ करेंगे यानी कि विदाउट शाइनिंग यूज़ करेंगे। सो इस वाले पैलेट में मुझे यही अच्छा लगता है कि सारे के सारे कलर्स हैं एक तो, और मैट भी है शिमर भी है, जो मुझे चाहिए वो मैं वैरायटी यहाँ से ले सकती हूँ। ऐसे हम इसकी क्रीजन आउट बना लेंगे, जैसे कि क्रीज बना रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी आईज़ यूँ खड्डा है, ठीक है। अपना टच करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसी तरीके से हम ब्रश की हेल्प से क्रीज बना लेंगे ऑरेंज कलर की। और जो मैंने आईलाइनर लगाया है उससे मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ यहाँ तक ही क्रीज बनानी है। ये ऊपर की जो आपका आईलिड होती है यहाँ पे पूरे पे क्रीज बनानी है, दोनों आईज पे मैंने बना ली। अब इसको थोड़ा सा और लेकर, मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे चोंच पे भी लगा लिया हमने। अब इसको ही मैंने ब्रश को थोड़ा झाड़ लिया है, क्योंकि जैसे मैंने लाइट कलर पहले अप्लाई कर लिया, मुझे डार्क कलर अप्लाई करना है तो मैं इसी को यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं लूँगी ब्लैक आई शेडो, ये आप अपना पैलेट है आपके पास उसमें से भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये सब में होता ही है, ब्लैक और ऑरेंज कलर तो ज़्यादातर मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर कॉर्नर पर डैब करते हुए लगा लेंगे। डैब मतलब हल्का सा ऐसे रखेंगे तो वो आपका आई शेडो लग जाएगा ऐसे करके। ये सही तरीका है आई शेडो लगाने का, मैं बिल्कुल पास होकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप कॉर्नर से स्टार्ट होंगे और ऑरेंज वाली के थोड़ा नीचे नीचे लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा स्मोकी आई मैं सिखा रही हूँ आज, तो स्मोकी आई लुक देगा। हाफ तक जाएंगे, हाफ से ज़्यादा नहीं जाएंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी करेंगे और यही वाला ब्रश लेकर ऐसे ऐसे डैब डैब किया तो यहाँ पर यह ब्लैक आई शेडो लग गया और ऑरेंज वाले से थोड़ा सा नीचे नीचे ही जाएंगे इस तरह से। हाफ आई तक जाना है, पूरा नहीं लेके जाना ब्लैक, बिकॉज हमें गोल्डन के साथ भी इसको लुक देना है। अच्छे से जो साइड में अगर आपको लगता है कि कम रह गया तो इस तरीके से डैब करके इसको कर सकते हो सही, और अगर ज़्यादा लग गया है तो सूखे कॉटन से हल्का सा झाड़ भी सकते हो, दैट इज़ फेयर इनफ।
यस, अब ये लग गया है। अब मैं फिंगर की हेल्प से ये लाइट स्किन शेड लूँगी। स्किन शेड का फ़ायदा ये होगा कि हमारे स्किन की टोन वो बन जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह वाइट कलर भी ले सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली और गोल्डन कलर इस पर लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं स्किन शेड से अपनी जो आईलिड है इसको हाफ तक लेकर जाऊंगी, सिर्फ हाफ तक ही इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि जब मैं अगर गोल्डन कलर लगाऊंगी इसके ऊपर तो वो निखर के आएगा। दोनों में ही मैं इस तरीके से लगा रही हूँ हाफ तक। फिंगर से क्या होता है, हमारा जो आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, वो जल्दी उतरेगा नहीं, इसलिए मैं फिंगर का अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज फिंगर में, हमारे फिंगर में मॉइस्चराइज़र होता है। सो लेट अस अप्लाई गोल्डन नाउ। अब इसी पैलेट में मैं शिमर वाला गोल्डन लूँगी। ये है मेरा शिमर वाला गोल्डन, ये एक्चुअली प्रॉपर गोल्डन नहीं है, थोड़ा कॉफ़ी शेड में गोल्डन है। इसकी जगह आप सिंपल प्रॉपर गोल्डन है वो भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से ही इस तरीके से, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी। पहले मैंने देखो ब्लैक वाले के पास में अप्लाई किया और फिर उसके बाद इसको पूरा ही अच्छे से ट्रांजिशन दे दूँगी, आगे से लेकर वहाँ तक ले जाऊँगी। हाफ तक अप्लाई करना है ये गोल्डन वाला, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा लेकर। जो लूज़ वाला गोल्डन कलर आता है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, फिंगर से अप्लाई करोगे तो वो भी ज़्यादा देर तक टिका रहेगा और वो अच्छा भी लगता है, दोनों ऑप्शन ही बेटर है। ये गोल्डन ज़्यादा दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा और लेकर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल कॉर्नर से इस तरीके से। जब आप अपनी फिंगर को ऐसे दबाओगे ना इसके ऊपर तो ये अच्छे से लग जाएगा। अब हम लेंगे जेल आईलाइनर। ये जेल आईलाइनर मैंने मियोन का लिया है क्योंकि इसका प्राइस भी अच्छा है, सही है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इसका जो सिंपल वाला ब्रश है, यानी कि टेपर वाला ब्रश नहीं लिया मैंने, एंगल ब्रश नहीं लिया, सिंपल वाले ब्रश से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अब आईलाइनर। जैसे पहले लगाया था उसके ऊपर तो हमने आई शेड्स लगा ली और वो अब लाइट हो गया है, इसलिए हमें लास्ट में एक बार और लगाना होगा जिससे कि ये प्रॉपर डिफाइंड हो जाए और हमें आइडिया भी मिल गया है कि कैसे कैसे लगाना है। इस तरीके से कॉर्नर तक आप लगा लीजिए। दूसरी आई पे भी ऐसे ही मैं लगा लूँगी आईलाइनर, जैसे शेप देते हैं सिंपल इजी वाली शेप है, हल्का सा मैंने विंग रखा है, ज़्यादा भी नहीं रखा। इतना लगाने के बाद हम नीचे कैसे लगाएंगे, सिर्फ हाफ में क्रीज में लगाएंगे नीचे इस तरीके से, यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए। और ये लिक्विड आईलाइनर बेटर है जिनकी आईज़ पे थोड़ा मतलब रिंकल्स आ जाते हैं ना, जैसे कि जो आईज़ के ऊपर वाला होता है वो ढीली होती है, तो उनके भी ये इजीली लग जाता है। जैसे हमारे मदर होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, उनको भी ये वाला जेल आईलाइनर इजीली लग जाता है, खिंचती नहीं है इससे स्किन। बस इतना ही लगाना है नीचे क्योंकि हमें ये अच्छी वाली लुक देनी है, मॉडर्न लुक देनी है, तो इसलिए हाफ तक ही लगाएंगे। अब आप अपने पैलेट में से वाइट कलर ले लेंगे, इस तरीके से कॉर्नर पे लगाएंगे वाइट कलर से जो हमारी आईज़ है। अब देखो इसका जो शेप निकल के आई है, दूसरी वाली को देखो, दूसरी वाली ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन वाइट लगाने के बाद ही ये इसकी शेप निखर के आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए। अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो स्पेशली मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि वाइट कलर का लगा लीजिए, कोई स्पेशल हाईलाइटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपने कॉर्नर देखना है अपनी आई का और यहाँ से ऐसे मिक्स एंड अप कर देना है। सो अब मैं ब्रश की हेल्प से यही वाला लूँगी वाइट और यहाँ पर आईज़ के कॉर्नर पे लगाऊँगी। ये आजकल बहुत चल रहा है ये वाला ट्रेंड कि यहाँ पे भी हाईलाइट करते हैं कॉर्नर कॉर्नर पे। अगर आपने नहीं करना तो ये आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है ये पार्ट, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे ऐसे डैब करेंगे ना वाइट कलर का लग जाएगा और ये भी हाईलाइटनिंग हो जाएगी आपके यहाँ पर। और ये वाला लुक आपका फेयर कलर के लिए और बाकी सभी कलर के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल स्किन्स
टोन के हिसाब से अच्छा लगता है, सभी स्किन टोन को अच्छा जाएगा। अगर आपकी सांवली है या गोरे हो, ये सबके लिए अच्छा लगेगा। स्मोकी आईज़ तो सभी करते हैं आजकल। और बस हमने यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर दिया, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है आप वाइट कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो, इसकी जगह आप गोल्डन शिमर से भी हाईलाइट कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। सो अब हम लेंगे ट्रांसलूशेंट पाउडर। ट्रांसलूशेंट पाउडर मैंने लिया है ADS का, इसके अलावा आप कोई और कंपनी का भी ले सकते हो, यानी कि लूज़ पाउडर लेना है, कॉम्पैक्ट नहीं लेना। लूज़ पाउडर को ऐसे अप्लाई करने से जो भी हमारे ख़राबी होती है हमारे मेकअप में, कहीं से ज़्यादा हो गया या कहीं से कम हो गया, तो वो सही हो जाता है। बस जहाँ आई शेडो लगाया है वहाँ मत लगाना, बाकी पूरे फेस पे आप ये ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा सकते हो। इससे पूरा फेस इवन हो जाता है और अच्छा लगता है। हमेशा पार्टी में ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना मत भूलिए। अगर आप स्पेशल पार्टी में जा रहे हो तो उसकी जगह आप ब्रॉन्जर लगा सकते हो, जो थोड़ा शाइनिंग में होता है। सो ब्रॉन्जर भी मुझे कैमलियन का पसंद है, मैंने आपको बताया है हमेशा से, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें भी शेड्स आते हैं, तो पर्ल शेड सभी स्किन टोन को चलता है, ठीक है। सो अभी मैं लगा रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये मैट में होता है, मतलब शिमर है इसमें, थोड़ी बहुत शिमर है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं लगता कि कुछ थोपा हुआ है। और जो ब्राउज़र है उसको आप सिर्फ शादी में ही लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर शाइनिंग होती है, उसके अंदर शिमर होता है बहुत ज़्यादा। सो इसी तरीके से गर्दन पे, बैक पे, हर जगह अपना फिनिशिंग कर दीजिए एंड यू विल बी रेडी। इसके बाद मैं मस्कारा ज़रूर लगाऊंगी। मस्कारा लूंगी मैं ये वाला, ठीक है। ये हाई वॉल्यूम मस्कारा हमेशा लिया करो, कोई भी कंपनी का ले लो, बस हाई वॉल्यूम मस्कारा लेना, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम दोनों आईज़ पे लगा लेंगे अच्छे से। ऊपर की साइड पे भी लगाऊंगी मैं और नीचे की साइड पे भी लगाऊंगी। नीचे की पलकों पे तो बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर हमारी स्किन के साथ टच ना हो जाए। ऊपर वाला तो सभी लगा लेते हैं, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूर नीचे वाली आईज़ पे भी मस्कारा लगाने की। जब आप पूरा ऊपर लगा लो तो जितना बचा होगा उसको ही नीचे लगाना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो आप और ले सकते हो। नीचे बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ मस्कारा लगाओगे तो वो हो सकता है आपसे हाथ हिल जाए और आपकी स्किन पे चला जाए, तो पूरा मेकअप भी ख़राब हो सकता है। अगर आप बिगनर हो इस चीज़ के लिए तो बस मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कभी अकेले में या कैसे कहीं नहीं जाना, तो आप इसको प्रैक्टिस करना नीचे वाली पलकों पे लगाने की। मैं कहाँ लगा रही हूँ, नीचे वाली लैशेज़ जो है ना, सिर्फ उन्हीं पे लगा रही हूँ। और प्रैक्टिस करके ही आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी आईज़ बहुत ही खुली खुली लगती हैं और सुंदर लगती हैं। आप देखना दूसरी वाली आईज़ और इसमें कितना फ़र्क होगा जब मैं दोनों लगा लूँगी। तो सो यस, वी आर रेडी। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर आपने बेल आइकन को दबाया हुआ है तो दैट इज़ वेल एंड इनफ। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लगे हैं, कितना हेल्प मिला आपको, बिकॉज आपके कमेंट्स देख कर ही हमें हिम्मत मिलती है कि हम और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आएँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।